नमस्कार। परिक्रमा इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बीते हुए लम्हे वापस तो नहीं आते, आती हैं उनकी यादें, पर वो जमाने वापस नहीं आते। लेकिन उन यादों को दोबारा जिया जा सकता है, और उन यादों को जीने के लिए आज हमारे साथ है श्रीमती अनुराधा चक्रवर्ती जी। नमस्ते। नमस्ते। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बड़ी लंबी बात करनी है आपसे, तो आपसे दरख्वास्त है कि आपकी यादों का पिटारा आप खोल के रखिए। जरूर। एक कलाकार के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक वो जो हम सबको पता होता है, और एक दूसरा जो वो अपने पास रखता है, वो होता है उसका परिवार, उसका बचपन। तो उसके बारे में हमें पता करने के लिए बड़ी खुशी होगी। बचपन के बारे में मैं कहूंगी तो बहुत अच्छा बचपन बीता। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, एंड मैं एक साउथ इंडियन हूँ बाय बर्थ। मेरा नाम अनुराधा चक्रवर्ती अभी है शादी के बाद, लेकिन पहले मैं अनुराधा श्रीनिवासन अय्यर थी। यानी हम तमिलनाडु स्टेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन जन्म मुंबई में हुआ। फिर हम वहां से हैदराबाद गए, तो चौथी कक्षा तक स्कूल वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूलिंग हुआ। और फिर वहां से हम लोग 66 में हम लोग नागपुर आए, और तब से यहीं पर पूरे मैट्रिक बोलो और ग्रेजुएशन सब कुछ नागपुर में हुआ। फिर नौकरी भी नागपुर में की, तो हम लोग हमेशा। तो आप बचपन से नाटक में काम कर रही हैं, आपके घर में कोई है जो नाटक में काम करता है? नहीं, घर में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में काम करता हो, लेकिन हाँ, प्रोत्साहन हमें घर से बहुत मिली। जैसे सेकेंड स्टैंडर्ड में जब हम लोग हैदराबाद में थे, सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं पहली बार स्टेज पर गई थी। एक छोटा सा गाना गाना था, वो मैंने गाना गाया था बैंजो ऑन माय नी लेकर। और उस वक्त भी मेरी मम्मी पापा बहुत मैंने प्रोत्साहित किया। फिर हम लोग जब नागपुर आए, स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया 6-7 स्टैंडर्ड में, इंग्लिश प्लेज, इंग्लिश ड्रामा में, हिंदी ड्रामा में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मम्मी पापा का हमेशा कहना था कि पढ़ाई तो ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उतना ही ज़रूरी है। तो हमेशा हमको घर से हमेशा कहा जाता था कि घर में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नाम पूछे, अपना नाम दो और पार्टिसिपेट करो। तो आपको बचपन से ही नाटक में रुचि रही है? जी हाँ। आपने नाटक का प्रशिक्षण लिया है कहीं? नहीं, प्रशिक्षण ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। बस ये जो मंच है वही मेरा, मेरे गुरु हैं, मेरे जो डायरेक्टर्स थे, जो को आर्टिस्ट हैं, और लोगों से जो मुझे मिलता गया, प्रोत्साहन मिलता गया। और उनके तरफ से जो वो अपने तरफ से बोल देते थे कि इस तरह से करने से तुम्हारा ज्यादा अच्छा रहता था, तुमने ये किया वो गलत हो गया, तो वो भी एक फीडबैक मिलता है। तो वही मेरे सभी गुरु थे। तो बचपन में आप आपके स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, और फिर जो ये कमर्शियल नाटक है इसमें आप कैसे आए? कमर्शियल, मैंने इस तरह से कमर्शियल नाटक कभी ऐसा किया नहीं है, हमने हमेशा कंपटीशन वगैरह में ही नाटक किया है। और स्कूल में करने के बाद एक लंबा समय गया जब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के समय मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, तो सिर्फ कॉलेज आना और घर जाना यही करती थी। फिर 1980 में मुझे रिजर्व बैंक में नौकरी मिली, और रिजर्व बैंक में नौकरी मिलने के बाद फॉर्चुनेटली उस वक्त हमारा जो हिंदी कक्ष था हमारे बैंक का, वहां पर उन्होंने कुछ प्रोग्राम तय किया था, उसमें उनको एक छोटा सा एकांकी नाटक मंचन करना था, तो उसके लिए उन्होंने नोटिस पुट अप किया था कि कोई लेडीज अगर करना चाहती हैं, तो दिलचस्पी है, तो प्लीज फलाने ऑफिसर के पास आकर अपना नाम दर्ज कर दीजिए। तो उस वक्त रिजर्व बैंक में लेडीज बहुत कम एक्टिव होती थी कोई भी फील्ड में, स्पोर्ट्स बोलो या नाटक, तो सवाल ही नहीं उठता, कोई भी लेडीज नहीं रहती थी उस वक्त। मैंने हमारे बैचमेट्स, हमारा जो बैच था 1980 बैच, उसमें हम लोग 6-7 लड़कियां थी, तो उसमें मैंने मेरी जो कुछ सहेलियों को पूछी कि चलो लेट्स ट्राई, तो हम लोग जाकर अपना नाम दिए, और ऐसा हमने फर्स्ट मेरा जो वन एक्ट प्ले एकांकी का जो था, बहुत बड़ा सवाल, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत मजा आया उसमें। वैसे हम लोग करीबन 10-15 लोग थे, तो
तो ऐसा कोई मेजर रोल बोलो ऐसा कुछ नहीं था, 15 लोगों में जितना एक व्यक्ति का रोल हो सकता है उतना ही था, लेकिन बहुत मजा आया। और उस वक्त से जो नाटक का जो एक पकड़ सफर शुरू शुरू हुआ, तो बस वही मैं वो पकड़ लिया नाटक में बस मुझे और बस। इसी सफर के बारे में हमें और बताइए कि आगे फिर आपका ये सफर कैसे जारी रहा। उसके बाद नेचुरली वो बैंक में बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, क्योंकि एक लेडी आर्टिस्ट इस तरह, उसमें मुझे मेरा फर्स्ट मेडल बोलो या प्राइज बोलो, मेडल नहीं था, मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था उसमें। बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, बिकॉज नेचुरली हम लोग 15 लोग थे, उसमें से मेरा एक रोल था, उस रोल के लिए मुझे प्रोत्साहन प्राइज मिला था, कंसोलेशन प्राइज मिला था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्राइज था, मुझे आज तक कभी इस फील्ड में नहीं मिला था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमारा जो क्लास 3 यूनियन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन, वहां के जो हमारे सीनियर्स थे, उन लोगों ने देखा कि चलो हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, इतना टैलेंट है, और चलो हम कुछ करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली उसी वक्त हमारे एसोसिएशन का 25th सिल्वर जुबली ईयर था वो, तो उसमें हमने एक एकांकी किया, एक दिन सूर्य, वो एक लंबा प्ले था, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था, माय मेजर रोल था मेरा, फीमेल लीड था मेरा, और वहां से फिर कई नाटक हुए। उसके बाद हम रायपुर में एक महाराष्ट्र मंडल करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर फिर हम लोग हर साल जाना शुरू किए, हमने चंद्रलोक में अग्निकांड, राजदर्शन और रात्रि भोज, गंगाराम का बगीचा, जो एक बहुत बड़ा उस पर फिल्म भी बनाया गया था बॉम्बे में, बॉलीवुड में, तो ये हमने वहां पर मंचन किया इसमें, और वहां पर हमें बहुत कामयाबी मिली, बहुत हमारा नाम मिला, रिजर्व बैंक एसोसिएशन के नाम से ही लोग आते थे कि अरे इनका प्ले है, चलो हमने देखना चाहिए, तो इस तरह हमको देखकर वो इतना हमको अच्छा लगा, इतना एक्साइटमेंट लगा कि ऐसा लगा कि नहीं अब ये गाड़ी रुक नहीं सकती, फिर हम लोग अभी तो ये राजधानी बन के दौड़ेगी अब तो दौड़ाना ही है इसमें। इट वॉज सो एक्साइटिंग, सो नाइस, और उसके साथ जो एक साथ मिलके मिलना, वो ग्रुप में आना, वो मंचन करना, वो रिहर्सल करना, वो एक अलग एक्सपीरियंस हो गया। तो आपकी ये जो राजधानी गाड़ी है, हाँ, ये और कौन से स्टेशन पे और किस तरह चलती गई? बस निकल पड़ी हमारी गाड़ी, स्टेट फेस्टिवल्स में हमने पार्टिसिपेट किया, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र शासन का जो कॉम्पिटिशन होता था, हिंदी मराठी और मराठी दोनों, लेकिन पहले हमने मराठी में नहीं किया, पहले हमने हिंदी में पार्टिसिपेट किया, और वहां पर भी हमें बहुत कामयाबी मिली, हमने वहां पर अगेन भी हमने गंगाराम का बगीचा, दर्पण, राजदर्शन, फिर रात के मेहमान, एक बार फिर, ये सब हमने वहां पर मंचन किया, हमारे 2 घंटे का नाटक होता था, बहुत अच्छे से हमको वहां पर कामयाबी मिली, और ये सब जो प्लेज मैंने मेंशन किए इसमें है, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि मुझे उसमें उत्कृष्ट अभिनय के लिए आपको तो प्ले को तो कामयाबी मिली ही, आपको भी कामयाबी जी मिली। हाँ, पर्सनली मुझे उसमें कामयाबी मिली। उसके अलावा ऐसे भी प्लेज थे जिसमें मुझे पर्सनली नहीं मिला, लेकिन हमारे प्ले को बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत सराहाया गया, बहुत कुछ माना गया, तो इट वॉज अ फैंटास्टिक सक्सेस। तो जो आपको बेस्ट एक्ट्रेस जो आपको मेडल मिले हैं, पदक मिले हैं, तो जो सबसे पहला जो आपको मेडल मिला है वो सबसे खास होता है, तो उसके बारे में हमें बताइए, और कुछ ऐसा बताइए जो कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बड़े करीब हो और उसके लिए भी आपको मेडल मिला हो। सबसे पहले कल्लू कहार की नौटंकी हमने किया था, आई थिंक 84 में किया था उसको, तो उस प्ले के लिए मुझे नाटक, उस नाटक, उस रोल के लिए मुझे चंदा रानी ऐसा कुछ उस रोल का इसमें, उसमें मेरा नाम था, उसके लिए मुझे सबसे पहले उत्कृष्ट अभिनय के लिए पदक, रौप्य पदक मिला था, सिल्वर मेडल, और वो भी प्ले बहुत, इट वाज अ पॉलिटिकल सटायर, उसमें बहुत मजा आया। मैं एक बात बताना चाहूंगी इस बारे में, उसमें कैसे राजा और उसकी प्रजा, तो वो बेसिकली कैसा गवर्नमेंट एंड पीपल ऐसा था वो, तो वो राजा के दो लठैत
इस तरह के लोग थे और हम लोग सब रायपुर में भी उसका मंचन करने जा रहे थे उस वक्त, तो दुर्ग स्टेशन में हम लोग रुके थे। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि वो जो लठैत थे वो एक मिश्रा जी करके थे, अशोक मिश्रा, वो दिखने में भी ऐसे हट्टे कट्टे एकदम अपना, और उनके हाथ में वो लठ, तो हमारी गाड़ी स्टेशन पे रुकी थी, तो हमारे सब लोग उतर गए, उसमें करीबन 20-25 लोग थे, सब उतर गए चाय वाय पीने के लिए। तो मेरे हस्बैंड वहां से, वो चाय की दुकान से, वो इशारे से पूछ रहे थे, चाय लोगी लोगी, मैं और मेरी सहेली, हम दोनों ट्रेन के अंदर थे। तो वो अशोक मिश्रा जी जो हैं वो आए, और वो एकदम उनके जो वो जो हिंदी लहजा जो है ना, क्या बाली के बालक समथिंग लाइक दैट, तो क्या कहत हो, उस तरह की हिंदी में बोलते हुए, क्या बात है, क्या एमपी का लहजा, एमपी का जो लहजा है उस तरह कुछ। तो मैंने यूं ही कह दिया, भैया जी देखो, वो आदमी मेरी तरफ देखकर इशारे कर रहा है, चाय के लिए बुला रहा है। तो वो देखा कि इन्होंने मेरी तरफ किया था, तो वो जाकर उनको, उनके साथ वही इसमें, क्यों भाई लड़की, अकेली लड़की को छेड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने भी जवाब दिया, क्यों, तुमको क्या करना है, मैंने पूछा, मेरी मर्जी है, इस तरह। तो ऐसा करते करते ऐसी एक भीड़ जम गई थी वो स्टेशन में, सबको लगा कि बाप रे यहाँ बहुत, और हाथ में लठ वठ, सब बड़ा हंगामा होने जैसे, और हमारे जो बाकी के आर्टिस्ट थे सब खड़े हो गए, सब अपना रोल, हाँ देखो ऐसे लड़के आजकल के लड़कियों को अकेले देखकर ये करते हैं ऐसा। उसमें फिर जैसे सिटी ट्रेन की वो सिटी बजी, चल पड़े, तो सब अपने आकर बैठ गए, तो ऑडियंस इतने, वो लोग ऐसे अचंबा हो गए, ऐसे अस्टनिश्ड हो गए कि भाई ये क्या हो गया। उनको तो आप लगा नाटक स्टेज पे ही नहीं, मंच पे ही नहीं, ये इम्प्रोम्प्टू जो बोलेंगे ना, आउट ऑफ द विदाउट नो स्क्रिप्ट नथिंग, ऐसे ही हमने नाटक कर लिया। आपके जीवन में भी नाटक हो गया, रहती है। तो वो बहुत ही मतलब कभी ना भूलने वाले एक इंसिडेंट था वो। तो ये कल्लू कहार का मुझे सबसे पहले मिला था, और रोल बोलेंगे तो एक नाटक है एक बार फिर, उसमें मेरा रोल था उस वक्त, मैं उसमें मेरा बहुत एल्डरली लेडी का रोल था उसमें। पर तब आप एल्डरली नहीं थी। मैं थी, यू कैन नॉट से, मैं बहुत यंग तो नहीं थी, ये काफी दिनों के बाद का नाटक जी। तो उसमें मैं वो लेडी का जैसे रोल, दो बच्चों को वो अडॉप्ट करती है, उनको पालती है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लाइफ में ऐसा होता है कि वो दोनों बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, बेटा गलत संगत में पड़ जाता है, बेटी किसी अपने पसंद के किसी लड़के से शादी करके वो वहां फंस जाती है, वो लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन माँ से वो मदद नहीं चाहती है, वो कहती है कि मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ूंगी, इस तरह का एक घर में एक माहौल जैसा हो जाता है, उसका हस्बैंड पैरालाइज्ड रहता है, तो ये माहौल में वो कैसे लड़ती है, वो खुद स्कूल टीचर होती है, तो वो कैसे सबसे लड़ते हुए आती है, और फिर उसके पड़ोसन में एक यंग लड़की रहती है जो मजबूरन अपने सिचुएशन के वजह से, अपने माहौल के वजह से, वो एक इस तरह का एक वेश्या टाइप का वो रोल उसका हो जाता है। तो वहाँ के बिल्डिंग के लोग उसको भगा देते हैं, उसकी एक, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो आखिरी में रोते हुए अपने, ये आंटी जी आप थोड़ा बच्चा मेरा देख लीजिए, मैं अभी आती हूँ, ऐसा कह के उस बच्चे को जो छोड़ के जाती है वो वापस नहीं आती। तो ये औरत आखिरी में, ठीक है मेरे दोनों बच्चे तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं फिर इस बच्चे को पालूंगी, इसे फिर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, एक बार फिर मैं तो एक बार फिर जीऊंगी। तो ये वो रोल मेरा, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत बढ़िया रोल, बढ़िया रोल था वो, दैट वाज माय, बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट, दिल के करीब, बहुत दिल के करीब था, बहुत मेरा फेवरेट रोल था वो। हम आपको अभी देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप काफी हसमुख हैं, लेकिन जो आपने आपके नाटकों के बारे में हमें बताया वो सारे सीरियस इस किस्म के रोल है, पॉलिटिकल सटायर्स है, सोशल सामाजिक नाटक है, तो आपको कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि आप कोई कॉमेडी नाटक करें? हाँ, कॉमेडी तो करने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि हंसना और हंसाना तो हर किसी को पसंद है, तो कॉमेडी नाटक तो किए हैं मैंने, लेकिन बहुत कम, मैक्सिमम मेरे सीरियस नाटक ही हुए हैं। और एक कॉमेडी नाटक जो हमने किया था, प्रपोजल, एंटन चेकॉफ का बेसिक रशियन प्ले था, उसको ट्रांसलेट करके हमने किया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा कॉमेडी नाटक में, उसमें बहुत मजा आ गया, उसमें काफी सराहा गया हमारे काम को, हम तीन ही लोगों का नाटक, बाप बेटी
और जैसे वो एक अधेड़ उम्र की लड़की रहती है और एक लड़का रहता है जिसकी भी शादी पड़ोसी रहता है, वो उसकी भी शादी नहीं हुई रहती, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो उस पर ही बेस किया गया है। तो वो नाटक बहुत हमारा अच्छा सक्सेसफुल रहा। बाकी कुछ नाटक हैं जो मैंने किए हैं कॉमेडी में, लेकिन कम किए हैं कॉमेडी, मेरे ज़्यादा सीरियस ही नाटक हुए हैं। अब वो हालांकि मैं चाहूंगी और अगर मौका मिले तो कॉमेडी नाटक जरूर करना चाहूंगी। बहुत अच्छा कॉमेडी करना ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। मैं तो बोलूं जो कॉमेडी कर सकते हैं तो वो सही में बहुत अच्छे कलाकार। लोगों को हंसाना मुश्किल है, लोगों को रुलाना आसान है। देखो ट्रेजेडी नाटक ऐसा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं रोएंगे, आंसू नहीं आएंगे, सीरियस हो जाएंगे, बस देख लेंगे। लेकिन भाई तुम हंसाने जा रहे हो और वहां हंसी नहीं आई तो उससे बड़ी ट्रेजेडी तो कोई है नहीं जी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है, ट्रेजेडी फिर भी कोई भी कर। कॉमेडी रोल में आपको देखने में बड़ी मजा आएगी हमें ऐसा लगता है। आप जरूर कोई कॉमेडी नाटक कीजिए। जरूर जरूर मैं आपको बताऊंगी जी। आपने नाटक का वो दौर देखा है जहाँ पे आपने कहा कि ज्यादा लोग नहीं आते थे तो नाटक को ज्यादा प्रोत्साहन भी नहीं होता था, उनको फाइनेंसेस भी इतने इजी नहीं होते थे, तो आपने वो दौर हम देखा है तो हमारे प्रेक्षकों को आप बताएंगे उसके बारे में, दर्शकों को? हाँ, वो डिफिकल्ट समय था सही में, क्योंकि हमारा फाइनेंसेस हमारे पास ज्यादा नहीं रहते थे। हम लोग कुछ तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग आरबीआई का जो यूनियन है उसके तरफ से करते थे, प्लस हम लोग बंगाली एसोसिएशन के तरफ से भी हम लोग नाटक करते थे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमको हमारा खर्चा देता था। लेकिन बहुत ज्यादा फाइनेंसेस ना फ्री फ्लो ना होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते थे। तो हम लोग सेट्स पे कॉम्प्रोमाइज करते थे, यानी हमारे ड्रामा के सेट्स बहुत इलैबोरेट सेट्स नहीं होते थे, बहुत सारे फ्लैट्स किए। हमारा जैसे दरवाजा है तो उसका सिर्फ कटआउट यूज करते थे, एक डोर फ्रेम लगा दिया, इस तरह का हम लोग काम करते थे। तभी सोफा सेट के बदले हमारा जो पैकिंग बॉक्सेस जो हैं उसको हम मास्किंग मटेरियल लगा के उसको मास्क करके, कभी वो दीवान बनता है, कभी पलंग बनता है, तो कभी सोफा सेट बन जाता है। इस तरह से अगर सेट पर कोई चीज की जरूरत है, जो प्रॉपर्टी होती है, प्लेट, चम्मच, कटोरी, ये तो हम घर से ही लाते थे। उसके अलावा भी जैसे बुक शेल्फ दिखाना है, कोई चित्र लगाना है, कोई नेहरू जी का चित्र लगाना है, कुछ ये सब चीजें हम अपने घरों से ले आते थे। कोई अपने घर से कपड़े टंगाने हैं तो टंगा दिए, वहां पे अपने कपड़े टंगा दिए, बुक शेल्फ है तो किसी के घर से बुक शेल्फ आ जाता था, बुक्स लाते थे। एक विद्वान राइटर का रोल था किसी का, तो हमने आपस में मेरे बच्चे के इंजीनियरिंग बुक्स मैंने लगाए, वो डॉक्टर थे तो उनके डॉक्टर के मेडिकल बुक्स उन्होंने लगाए। तो इस तरह हम लोग हमारे ही तरफ से जो हम खर्चे कम कर सकते थे उस तरह करके हम लोग चलाते थे। हमेशा स्क्रिप्ट पे आपका ध्यान होता था? स्क्रिप्ट हमारा मेन रहता था, स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, जहां तक हो सके स्क्रिप्ट के मुताबिक चलो। लेकिन बेस्ट पार्ट वाज कि जो कंफर्टेबल जोन है, तुमको समझो पर्टिकुलर शब्द नहीं जम रहा है, उसका पर्याय जो शब्द है, पर्यायी शब्द तुम यूज कर सकते हो, वो हमको छूट थी। लेकिन स्क्रिप्ट के साथ चलो और अभिनय पर तुम ज्यादा ध्यान दो। सेट में जो है वो है, इट डजेंट मैटर, लेकिन तुमको पहले ड्रामा को तुम खड़ा करो, उसका तुम उसको मजबूत करो, तो सेट अपने आप बन जाता है। अभी आपने बात करते करते बताया कि बंगाली एसोसिएशन द्वारा आपने नाटक किए हुए हैं जी, तो हिंदी में आपने काम किया है, मराठी में आपने काम किया है, बंगाली में आपने काम किया है, तमिल में भी आपने काम किया है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मौका जरूर मिला था जी, तमिल में जो मैंने बोला था वो प्रपोजल, जो कॉमेडी प्ले है उसके लिए मुझे कॉल आया था। यहाँ के जो साउथ इंडिया एसोसिएशन है वहां से मुझे कॉल आया था वो उस प्ले को तमिल में करने के लिए। लेकिन वो हमने एक दो दिन रिहर्सल शुरू भी किए, लेकिन पता नहीं कुछ, आई थिंक कोई तो भी एक जन बीमार हो गया, ऐसा कुछ हुआ था, फिर वो जो खत्म हो गया वो कहानी फिर खुली बड़ी नहीं आगे। तो आप तो, ये तीनों भाषाएं आपको बहुत अच्छे से आती हैं, मराठी, हिंदी, बंगाली? अच्छे से तो अभी आ जाती है क्योंकि मैंने प्लेस किए हैं। अच्छा। तो ड्रामा करते करते मैंने, जैसे मराठी मैंने सीखा, ड्रामा करते करते मेरी मराठी जितनी सुधरी उतने मैं बोलते हुए, मुझे, मैं फ्लुएंटली तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जब हम लोग फ्लुएंटली ना बोलते हुए भी आपने
और उसमें आपको मेडल्स भी मिले हैं। मेडल्स नहीं, मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं और मुझे सराहा गया है। आपने कैसे ये स्टेज पे इतनी हिम्मत की बात करने की, मराठी और बंगाली? बहुत सही में बहुत नर्वस होता था। इसमें मैं बोलूंगी इसका जो श्रेय जो है वो मैं अपने को आर्टिस्ट को, स्पेशली ऑफ कोर्स डायरेक्टर को मेजर श्रेय जाता है, मिस्टर चंचल रॉय चौधरी हमारे जो डायरेक्टर थे, बंगाली में, मराठी में भी वो ही डायरेक्ट करते थे, हिंदी के भी वही डायरेक्ट करते थे। शिशिर मुखर्जी हमको हिंदी और बंगाली में डायरेक्ट करते थे, देवाशीष नाहा डायरेक्ट करते थे, देवाशीष रॉय करके एक थे वो भी हमें बहुत डायरेक्ट अच्छे बताते थे, वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत स्ट्रांग डायरेक्टर। और मेन जो मेरा लैंग्वेज जो था वो मेरे जो को आर्टिस्ट जो थे उसमें से, जो महाराष्ट्रियन को आर्टिस्ट विलास बड़कस एंड एक दो और को आर्टिस्ट, वो लोग मुझे जैसे मुझे वो तुझिया तो वो मेरे को जमता नहीं था। आपस में हम बात करते थे तभी किसी ने करेक्ट नहीं किया तो लोगों ने सोचा ठीक है चल रहा है, लेकिन जब ड्रामा की बात आई तो आई कुड नॉट से तुझिया, तो यू हैव थोड़ा सटलिटी से बोलना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इतना य पे तुम ऐसा जर्क क्यों देती हो, थोड़ा कम करो, थोड़ा स्मूदली बोलो। तो 6 बजे का हमारा रिहर्सल रहता था तो 5 से 6 मेरा कोचिंग क्लास चलता था, वो बंगाली रहे या मराठी रहे। तो 5 से 6 बंगाली नाटक हम लोग 8 बजे से करते थे, तो 7 से 8 चंचल रॉय चौधरी मेरे घर में बैठ के वो ट्यूशन लेते थे जैसे भुवनेश्वर बोलते हैं लेकिन इन बंगाली तुमको भुवनेश्वर वो वैसा उच्चारण आना चाहिए वो उच्चारण उसका भुवनेश्वर व है ही नहीं हमारे बंगाली में, तो उस तरह तो वो कितने बार बोलो फिर से बोलो भुवनेश्वर बोलो फिर से बोलो भुवनेश्वर, तो इस तरह कोचिंग कर करके मैंने ये लैंग्वेजेस सीखे। और प्लस ऑफकोर्स खामियां तो रही होंगी और पक्का रही होगी लेकिन किसी ने मुझे इस तरह क्रिटिसाइज नहीं किया, टोका नहीं, क्रिटिसाइज प्रोत्साहित, कम से कम नेगेटिवली किसी ने कुछ बोला नहीं, जो भी बोला मेरे अच्छे के लिए बोला। कभी भी जब भी कोई बोला, भगवान मुंह से निकल जाता था तो भगवान नहीं तो कोई एक छोटा बच्चा भी आकर बोलता था भगवान भगवान बोले ना आंटी आपने तो भगवान ये सब चीजें मुझे लोगों ने पॉजिटिवली लिया और मैंने भी उसको पॉजिटिवली लिया, अच्छा एक अपने अच्छे के लिए ही है। तो इस तरह मैंने वो प्रोग्राम, आपका ये जो एटीट्यूड है ये हमें बड़ा अच्छा लगा और इसी एटीट्यूड को अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसी एटीट्यूड के साथ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? संदेश मैं यही दूंगी कि एक तो मैं सबसे अपने जो यंग जनरेशन, जो आज का जनरेशन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस आर्ट को मरने मत दीजिए, थिएटर जीवित रखिए, स्टेज जो है इसे जीवित रखिए। इसमें तुम ठीक है हर कोई अपने आप को प्रमोट करने के लिए जाता है, ये करता है, टीवी सीरियल्स का आजकल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिस वजह से स्टेज काफी बैक स्टेज हो गया है, लेकिन इस चीज को तुमने इम्पोर्टेंस देना है, अभिनय को इम्पोर्टेंस देना है और इसको जारी रखिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे स्टेज आर्टिस्ट कुछ नहीं, स्टेज जो तुम करते हो वो टीवी सीरियल में तो तुम कैमरा के सामने टेक रीटेक करते हो, कट होता है, तुमको दोबारा बोलने का मौका, लेकिन जब तुम स्टेज पर करते हो तो तुम लाइव करते हो, उसका मजा कुछ उसका और ही मजा है। वो एक्साइटमेंट जो है कि आज क्या होगा, कल तक रिहर्सल में एक चीज इधर का उधर नहीं हुआ और आज क्यों ऐसा हुआ, तो इस तरह कितनी इंसिडेंट्स हो जाती हैं। एक बार हम लोग बंगाली नाटक कर रहे थे तो वहां पर कुछ दिनों तक जो आदमी एक रोल कर रहा था उसको फिर बोला गया कि ठीक है अभी तू मत कर, ये जो ओरिजिनल है वो कर लेगा, वो बीमार हो गए थे, वो चले गए थे, तो दूसरे को लिया गया था। तो जैसे वो ठीक हो गए आ गए तो ये दूसरे को बोल दिया गया कि अभी तुम प्रॉम्प्टिंग कर लो या कुछ कर लो। वो समंदर का सीन था और चालू था डायलॉग, अचानक देखा एक आदमी यूं करते हुए यहां से वहां, वहां से यहां, ये विंग से वो विंग, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? तो वो आदमी बैक स्टेज में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई समंदर है, कोई भी नहा सकता है, तुमने मुझे स्टेज पर जाने का मौका नहीं दिया, मैंने ले लिया। तो देखो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स कभी लाइव हो जाते हैं जी, तो ये एक्साइटमेंट तुमको बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो इसी एक्साइटमेंट पे आप
यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया मुझे इसके लिए बहुत, मुझे बहुत हमें मजा बड़े आया। मजा आया बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू सो मच।